अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माँ बेटी रसोई एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सलमान खान ने कर दिया है ईशा का गेम एक्सपोज्ड। तो ईशा मालविया हैं जो, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स अपने चेंज करे जा रही थी और वो एलिगेशंस भी लगा रही थी। तो इसके चलते सलमान खान का जो फर्ज था, उन्होंने ईशा मालविया को समझाया। उन्होंने कहा, ईशा जो तुम गेम खेल रही हो, ये तुम्हें ही आगे जाकर भारी पड़ जाएगा। तो सलमान खान का कहना है अभिषेक से भी, अगर भाई तू संभल गया है तो ठीक है, वरना तू भी पछताएगा। तो अभिषेक तो तभी के तभी बोल देते हैं, भाई ये दोनों कुछ करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सलमान खान एक जगह समर्थ को भी एक्सपोज करते हैं और ईशा को भी। तो वो बोलते हैं, ईशा अपने एक स्टेटमेंट पर तो रुको, बार बार चेंज करती हो। जब एंटर हुई थी तुम बिग बॉस में, तो तुम ऐसे शो कर रही थी तुम्हारा बाहर कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम अभिषेक से फिर से फ्रेंडशिप करना चाहती थी। बट जैसे ही समर्थ की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, तो तुम एकदम से, जब समर्थ ने कहा कि मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुमने उस चीज़ को भी डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं। फिर अगले ही दिन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ इतने सारे स्टेटमेंट तुम चेंज कर चुकी हो, फिर उसके बाद भी तुम अब भी स्टेटमेंट्स अपनी चेंज कर रही हो। कभी अभिषेक के पास जाती हो, कभी समर्थ के पास जाती हो, कभी अभिषेक को अच्छा बताती हो, तो कभी समर्थ को, और एकदम इतने सारे स्टेटमेंट्स चेंज कैसे कर लेती हो? और स्टेट्समैन चेंज तो करती ही करती हो, उसके साथ साथ एलिगेशंस भी लगाती हो, वो भी नेशनल टीवी पर, जो कि तुम जानती हो कि एक एक वर्ड जो यहाँ से जाएगा वो किस तरीके से पोर्ट्रे होगा और लोग क्या समझेंगे। तो ये गंदा गेम मत खेलो, किसी की इमेज मत गिराओ, जबकि ईशा तुम अपनी ही इमेज डाउन कर रही हो। तुम तीनों ही फूल नज़र आ रहे हो, सलमान खान ने उन्हें ये बोला। और फिर जैसे ही सलमान खान समझाते गए, तभी जो अभिषेक हैं वो बोलते हैं कि भाई मैं समझ गया, अब ये दोनों कुछ भी करें, जो इनका मर्ज़ी हो करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही सलमान खान समझा कर जाते हैं, ईशा मालविया फिर से अभिषेक के पास जाती हैं, फिर उन्हें से वो कुछ ना कुछ बोलती हैं, जिसके चलते व्यूवर्स का कहना है ये लड़की कहीं एक जगह नहीं टिक रही, इसकी इमेज खुद ब खुद ही ये डाउन कर रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, जो ईशा मालविया कर रही हैं वो सही है या गलत। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।